ये वो ताबड़तोड़, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो जनधन योजना की बात हो, तो लोगों को लगता है कि वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और राशन के जरिए भी इन्होंने अभी नमक वमक दिया जिससे वोटर इनके पक्ष में आ सके, क्या इसके पीछे कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकती कि केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, अन्न के साथ नमक भी दिया है, इसे नहीं, क्योंकि ये जो पूरा सुविधाएं हैं वो लोगों से इकट्ठा किया हुआ टैक्स उसी पैसे से तो है, कोई अलग से भारतीय जनता पार्टी ने पैसा नहीं लगाया, ये सरकार का पैसा है, ये जनता का पैसा है और उसी टैक्स के पैसे से ये सब पूरा काम हो रहा है। और अब पुरानी बात हो गई है, लोग बाग सिर्फ दिखावे के लिए भले ही ये चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो मैं फिर कहूँगा कि जो गवर्नेंस में जो फेल्योर है, टोटल फेल्योर है, जो लैंड ऑर्डर में टोटल फेल्योर है, उसको कहाँ छुपाएंगे, वो छुप नहीं सकता। पुनिया जी, इस समय यूपी पर केंद्र की सारी निगाहें हैं, भाजपा के जो बड़े लीडर हैं हर हाल में यूपी में सरकार बनाना चाह रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा आपको लगता है कांग्रेस पार्टी, किस नज़र से देख रहे हो? देखिए, चुनाव का मौसम है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव मैदान में उतरेंगे चुनाव प्रचार के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। लेकिन खास बात यह है कि जनता जो गवर्नेंस है, जो विकास के कामों के उपेक्षा हुई है 5 साल के दौरान में, उसको कौन भूलेगा, उसको तो लोग जवाब वही मांग रहे हैं कि विकास कहाँ चला गया, लैंड ऑर्डर इतना ख़राब है, तो जो केंद्र सरकार अमित शाह के मंत्रालय के आंकड़े अपने हैं जो NCRB के जरिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो ओवरऑल अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर वन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो उत्तर प्रदेश नंबर वन है, जो अनुसूचित जाति के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश नंबर वन है, तो सब जगह नंबर वन है, और फिर अच्छा कहाँ से दिखा देंगे, चुनाव प्रचार भले ही करते रहें, जो भी बात करते रहें, लेकिन जिसको चुभी है बात, जो पीड़ा पाए झेले हैं, उसको कहाँ छोड़ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े नेता चुनाव प्रचार के आ रहे हैं वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ जाएंगी। सर देख